हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल राउंड सपोर्टर यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसके लिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप 3 डॉट पे क्लिक करके प्लेबैक की स्पीड को बढ़ा दें। अगर आपको ये वीडियो धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, ताकि आपको ये वीडियो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो चलो साथियों, हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि B.SC बीट फर्स्ट ईयर 2019 जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो कैसा था, और पेपर किस प्रकार का इसका पैटर्न रहता है। तो हम मैथमेटिक्स के दो पेपर हैं, पहला पेपर एलजेब्रा एंड 2D, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। ये पेपर कुल 3 घंटे का होता है और हमें 70 मिनट मिलते हैं, और इस प्रश्न के भी 3 भाग होते हैं। भाग ए, बी, सी, और ए भाग में कुल 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और साथ ही भाग ब, इसमें 5 प्रश्न और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होता है। और भाग 6 में कुल 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमें 3 करने होते हैं, और उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है। तो चले, हम कोई भी बिना देरी किए हुए आपको सीधे मैं प्रश्नों पर लेके चलता हूँ। तो मैं बहुत ही कम क्वेश्चन बोलूँगा, आपको खुद पढ़ना है और स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले हमडन प्रमेय का उद्योग दीजिए। पहले हमडन प्रमेय होता है कि इसके अनुसार प्रत्येक स्वर्ग मैट्रिक अपने स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। आइगन मानों को परिभाषित कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका एक मूल ज्ञात करना है, त्रिघात समीकरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि दो मूल समान है परंतु चिन्ह विपरीत है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा रख के आपको बहुत ही सिंपल है इसमें से आपको आंसर निकालना है। और तीसरे का आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू 5। और ये चौथा क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तित गुणांक का मुख्य गुणांक 1 हो, ऐसा करके इसको बताना है। इसमें 5 का भाग देंगे, फिर इसमें 5 की घात 0, 5 की घात 1, 2, 3 से इस समीकरण को मल्टीपल करना है। फिर ये 5वां क्वेश्चन है, अभिसारी श्रेणी की परिभाषा, लघुगणक अनुपात उत्तर, लघुगणक के अनुपात परीक्षण प्रयोग कीजिए, ध्रुवीय निर्देशांक के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद है सहायक प्रत को परिभाषित कीजिए, शंकाओं के निर्देशांक जो मैंने पीछे कोष्ठक के अंदर लिख रखे हैं, और केंद्र को मूल बिंदु से मिलाने वाले समीकरण को लिखिए। ये मूल बिंदु का समीकरण है, मूल बिंदु मानते हुए शंकाओं का समीकरण लिखना है हमें, शंकाओं का समीकरण ये है। फिर ये बार्ट वो आता है, इसमें से अथवा में आता है, हमें एक क्वेश्चन करना होता है। ये है आइगन सदिश, आइगन सदिश के मान दे रखे हैं ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार्डन विधि से इसको हल करना बहुत ही सिंपल है, कार्डन विधि का यूज़ करते हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर ये मूलों से संबंधित है, चतुर्द्विघात समीकरण है, इसको करना होगा आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन मिलता है हमें चौथा क्वेश्चन, जिसमें देखा है कि अभिसरण का परीक्षण कीजिए, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। और इसके बाद है हमारा ये व्यापक पद n³ + 1 रूट n³ का अभिसरण कीजिए, बहुत ही सिंपल है। फिर इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है, शंक को दे रखना और सरल रेखा स्पर्श करती है। फिर ये शंक सिद्ध कीजिए, किसी शंकाओं का अर्ध नाभिलंब किसी नाभिक की जीवा के खंडों को हरात्मक माध्य होता है। फिर शंकाओं के अक्षों का समीकरण तथा इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, समीकरण ये रखा है, ये शंकाओं को निरूपित करता है। केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो, केंद्र मूल बिंदु मानकर शंकाओं का समीकरण, वही सूत्र यूज करना जो मैंने पहले बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सूत्र है, वही सूत्र लगाना है और शंकाओं की प्रकृति ज्ञात करनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर अपना है कैली हिलमटन प्रमेय की सहायता से निम्न आयु प्रतिलोमन ज्ञात, मतलब ये इनवर्स कैली हिलमटन की सहायता से हमें ज्ञात करना है, और ये दे रखा है। फिर ये मूलों से संबंधित क्वेश्चन है, मूल दे रखे हैं, समीकरण ज्ञात करना है, एक समीकरण दे रखा है, उसके मूल भी दे रखे हैं। फिर इसके बाद ये है 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अभिसरण तथा अपसरण के लिए परीक्षण कीजिए। और 10th क्वेश्चन, एक वर्त किसी शंकाओं की नाभि से गुजरता है जिसकी नाभि लंब 2L शंकाओं के 4 बिंदु पर मिलता है, जिसकी नाभि लंबे क्रमशः R1, R2, R4 है, तो
सिद्ध कीजिए कि 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 = 2/l। ये हमारा 2D मतलब एलजेब्रा एंड 2D का है। इसमें से इम्पोर्टेंट ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, वक्र कानो रेखा कीजिए, बहुत ही शंकु के वक्र कानो रेखा इसमें मिसप्रिंट है मुझे लगता है, तो शंकु का आपको अनुरेखन करना है। और इसके बाद मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ लें। इसमें कैलियम तंत्र में शंकु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते ही हमेशा। कैलियम तंत्र में प्रतिलोमन याद करना है, ये सहायक वर्त हुए, ये शंकु हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेपर पर। ये हमारा होता है सेकंड पेपर कैलकुलस का, सेम पैटर्न होता है, 70 नंबर के पार्ट 3 होते हैं। आइए हम सीधे बिना कुछ देरी की हुई क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्र आर इजिकल टू r = ae e^b θ के लिए थीटा मतलब फाई का मान ज्ञात करना है, उसमें टेन फाई वाला सूत्र लगा के आपको निकालना होता है। उसके बाद ये सरल रेखा के लिए कुल एनवलप याद करना, दो ध्रुवियों के दो ध्रुवी वक्रों का बेनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, समघात फलन है तो आयलर प्रमेय का पतन कीजिए, ध्रुवी वक्रों के लिए चाप की लंबाई। फिर छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समाकलन से संबंधित है। 7वां नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 10th नंबर अनंत स्पर्श की परिभाषा दीजिए, इस क्वेश्चन इस पेपर के अंदर अनंत स्पर्श भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनंत स्पर्श से बनते हैं। ये प्राचलिक वक्रों के लिए वक्र तत्व होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑयलर का प्रथम समाकलन का सूत्र, ये भी ऑयलर का प्रथम समाकलन का बहुत ही सिंपल है। प्रबल्य का अधिक समीकरण ज्ञात करना, जो बहुत ही सिंपल और सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, और ये 8वां का क्वेश्चन है, उचित और निम्निष्ट ज्ञात करना, मैक्सिमा और मिनिमा ये यू दे रखा है। फिर सरल रेखा दे रखी है, तो कुल एनवलप ज्ञात कीजिए, जबकि अल्फा एक प्राचल है। ये देखो मैंने कहा आनंद स्पर्श इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बना, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी आया गया। आनंद स्पर्श आपने कम्प्लीट किया तो 7 नंबर आप इस प्रकार से आ सकते हैं, आनंद स्पर्श ज्ञात कीजिए। और इसमें फिर दीर्घवृत्त सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त ये x² + x² - x² - x² ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बड़ी बारीक से पढ़ना होता है, ना मिस्टेक हो सकती है, मेरे भी वही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैंने पृष्ठीय आयतन ज्ञात करके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, ये इसके बाद 6वां क्वेश्चन, परवलय का दे रखा है, इसमें वक्र त्रिज्या और संबंध दे रखा है, संबंध ज्ञात करना है आपको, वक्र त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए, आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि अनंत स्पर्शी त्रिपद अनंत स्पर्शी, मैंने कहा कि अनंत स्पर्शी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये अनंत स्पर्शी का 1-10 नंबर का और क्वेश्चन बन गया कुल मिलाकर के, इस प्रकार से 20 नंबर के क्वेश्चन अनंत स्पर्शी बन जाते हैं। फिर वक्र कानो लेखन करना है, ये मैंने जो वक्र बनेगा लास्ट के अंदर जो इसका चित्र होता है ये मैंने आपको बता दिया, आपको वक्र के अनुरेखन का प्रोसेस अपनाते हुए ये आपको वक्र लाना है। आप ये वापस देखिए, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल पेपर आया था। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैनल आपका ही चैनल है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट करें, और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।